मॉर्निंग का व्यू देख सकते हो आप, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आई होप आप सभी मस्त होंगे, मैं भी फिलहाल मस्त हूँ। आज तुम्हारा भाई आपको एक अच्छी जगह दिखाने वाला है। वो शायद आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, पर आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा देखना। रास्ते में एकदम मस्त रास्ते में मिलने वाली ब्यूटीफुल जगह, अच्छे अच्छे जगह बताएंगे हम रास्ते में। अच्छे अच्छे कोई भी लोकेशन मिलेंगे उनको बताते हुए चलेंगे और आपको मस्त सफ़र करवाएंगे। तो वीडियो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा वाला मोर देख सकते हो आप। झुंड में बैठे हुए वहाँ घर के ऊपर। दोस्तों हम सफ़र के लिए निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। आज हमने मास्क वास्क लगाया और चल रहे हैं हम। लोग वीडियो में बने रही है, आपको बहुत मजा आएगा आगे आगे देख सकते हो। हम निकल चले गौरशंकर भाई, हितेश भाई, हेलो भाई, मौज करने वाला आज का दिन। अच्छा बहुत मजा आने वाला है, मैच गया नहीं बस के बाद हितेश भाई ने हमारे फर्स्ट टाइम। गौरशंकर भाई तो शायद एक दो बार चले गए, थोड़े पिक विक भी खींचेंगे, अच्छे फोटो वोटो शूट होगी, माहौल होगा तगड़े वाला। दोस्तों मैं जो कह रहा था आपको, हम अच्छी जगह से आपको दर्शन करने वाले हैं। माँ तीन नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम कहते हैं। जगह का नाम है बेड़ेश्वर धाम। आपको तीन तीन नदियों का संगम भी बताएंगे और वहाँ का मंदिर है बहुत बड़ा वो बताएंगे। बेड़ेश्वर धाम को आदिवासी को कुंभ भी कहा जाता है। उस जगह पे आपको ले चलेंगे, वीडियो बनाइए, बहुत मजा आएगा, चलते हैं आप। ये देखो नाश्ते में कचौरी हमारे तीनों भाइयों की मंगवा दी है, चाय आ रही है, चाय और कचौरी नाश्ता करके फिर निकलते हैं, फिर सीधा जाके आपको आगे मिलते हैं रेस्टोरेंट पे। चाय एक नंबर, बहुत टेस्टी चाय एक नंबर। आप भी आइए इधर, इस ढाबे का नाम क्या, आप बाहर निकल गुरु कृपा रेस्टोरेंट एक नंबर। चाय नाश्ता भी मस्त, इधर से चाय के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत अच्छी चाय, वेरी नाइस चाय, बहुत टेस्ट। दोस्तों पहुंच चुके हैं बेड़ेश्वर में, मेला लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई है, देख सकते हो आप बर्तनों की दुकान चालू। चलो आगे चलते रहो भाइयों। बेड़ेश्वर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो भीड़ भाड़
आसपास का सब लगा हुआ चल रहा है। आपको बताते हैं दर्शन भी करवाते हैं मंदिर में, फोटोग्राफी होगी तो करवाएंगे, नहीं होगी तो बाहर से बंद कर देंगे। दोस्तों हम अभी त्रिवेणी संगम के बीच में खड़े हैं, ये रहा मंदिर, हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए, आपको भी करवाएंगे, बाहर से देख लेंगे। अंदर ये गेट है, इधर साइड नदी है, एक नदी इधर है, तीनों ओर से ये बीच में है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणेश्वर धाम कहा जाता है। दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ ऊपर से हम व्यू बता रहे हैं आपको, नीचे लोग हैं, भीड़ भाड़ है, मेले जैसे। दर्शन करके निकल चुके हैं, अब आपको वहाँ ऊपर की ओर ले चलेंगे सीढ़ियों के द्वारा, वो लोग जा रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं, यहाँ से वहाँ ऊपर का व्यू बताएंगे, वहाँ से और भी अच्छा व्यू आता है, चारों ओर का व्यू बताएंगे, तीन नदियों का संगम का। चलिए तो दोस्तों हम अभी चलना चालू कर दिया, तो दोस्तों आपको हम दर्शन करवाते हैं। दोस्तों हम दर्शन कर चुके हैं, अब आपको ऐसे ऊपर का व्यू बताते हैं, घुमा के दिखा लेते हैं पूरा व्यू कैसा कैसा है।
दोस्तों हम दर्शन करके निकल चुके हैं। जैसे जैसे दिन चलता जा, 11 12 बजने वाली है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हो, मेला लगने लगा है। ऐसे वेरी ब्यूटीफुल मस्त व्यू आ रहा है दोस्तों, देखे नजारा। दोस्तों आप देखिए नदी का कितना सुंदर नजारा है, पानी का देख सकते हो आप, पक्षी उड़ रहे हैं और लोग भी पुल पर आ रहे हैं नदी के। बहुत ब्यूटीफुल जगह लग रही है, मस्त सुंदर दृश्य लग रहा है। अब हम बेणेश्वर से वापस हम हमारे रूम की ओर निकल चुके हैं। तो हम बेणेश्वर घूम के अब निकल चुके हैं हमारे रूम की ओर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कोई भी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।